गुड मॉर्निंग, टुडे इज 4th अप्रैल 2018 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहां पे ईवे बिल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल, इसरो ने GSAT-6A सैटेलाइट को लॉन्च किया, लेकिन दुखद यह है कि इसरो अब उस सैटेलाइट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहा है। डिटेल से इस आर्टिकल पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद बीच में ये बड़ा आर्टिकल पुवर्टी संबंधी डेटा के बारे में है। बहुत सारा डेटा है इस आर्टिकल में, मेनली ये एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल के एसेंस को हम डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल बताता है इंटरनेशनल रिलेशंस में डिप्लोमेट्स को प्यादों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरे पेज पर यहां पर HD देवगौड़ा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके साथ इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। पॉलिटिक्स संबंधित पॉइंट्स हैं पूरे इंटरव्यू में, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये दो आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट 6A के बारे में। GS पेपर 3 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट बुरा है। इसरो ने लॉन्च किया था कम्युनिकेशन GSAT-6A सैटेलाइट, लेकिन अब इस सैटेलाइट के साथ कॉन्टैक्ट इस्टाब्लिश नहीं कर पा रहा है इसरो। कोशिश कर रहा है इसरो कॉन्टैक्ट इस्टाब्लिश करने की इस सैटेलाइट के साथ, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट इस्टाब्लिश नहीं हो पाता है इस सैटेलाइट के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ये मिशन फेल हो गया है। पहले हम सैटेलाइट को लॉन्च करने के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, ताकि हमें ये पता लग सके कि चूक कहाँ पे हुई है GSAT-6A सैटेलाइट को लॉन्च करने में। सैटेलाइट्स को स्टेजेस में लॉन्च किया जाता है। GSAT-6A कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भी 3 स्टेजेस में लॉन्च किया जाना था। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि रॉकेट को या फिर सैटेलाइट को स्टेजेस में क्यों लॉन्च किया जाता है? एक टेक्निकली इनकोरेक्ट एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं। देखो, रॉकेट की जो इफेक्टिवनेस है, रॉकेट की जो वेलोसिटी है, वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी रॉकेट में जितना ज्यादा मास होगा, उतनी ही वेलोसिटी कम होगी रॉकेट की, उतनी ही इफेक्टिवनेस कम होगी। तो देखो होता क्या है, जैसे रॉकेट का फ्यूल टैंक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। यहां पर स्क्रीन पर देखिए आप, Part 1, 2nd और 3rd। जैसे ही रॉकेट पहुंचता है 1000 किलोमीटर की हाइट पर, तो पार्ट वन का जो फ्यूल है वो खत्म हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे पार्ट वन का फ्यूल खत्म हुआ है, लेकिन जिस मेटल में वो फ्यूल था, वो मेटल तो वहीं मौजूद है ना। अब आप एक बात बताइए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रॉकेट की इफेक्टिवनेस, रॉकेट की वेलोसिटी मास पे डिपेंड करता है। जितना मास ज्यादा होगा, रॉकेट की वेलोसिटी उतना ही कम होगी, इफेक्टिवनेस उतनी ही कम होगी। अगर पार्ट वन में फ्यूल खत्म हो चुका है, तो इस पार्ट को ऊपर क्यों ले जाया जाए जब फ्यूल ही नहीं है इस पार्ट में? तो फर्स्ट स्टेज के बाद जो रॉकेट है अपने पार्ट वन को डिसएंगेज कर देता है, यानी हटा देता है। आगे ऊपर जाएंगे सिर्फ पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। उसके बाद भी यही होता है। मान लेते हैं सैटेलाइट पहुंचता है 10,000 किलोमीटर की हाइट पर, तो पार्ट सेकंड से फ्यूल खत्म हो गया, तो पार्ट सेकंड को भी डिसएंगेज कर देता है, गिरा देता है, ऊपर जाएगा सिर्फ पार्ट थ्री। इस प्रकार से विभिन्न स्टेजेस में सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। जैसे जैसे ऊपर हाइट जाते हैं, स्पीड बढ़ती जाती है, क्योंकि मास कम होता जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है, 2 स्टेजेस तक तो इसरो का कॉन्टैक्ट रहा GSAT-6A सैटेलाइट से, लेकिन तीसरी स्टेज में इसरो का कॉन्टैक्ट टूट गया GSAT-6A सैटेलाइट से। पूरी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। अगर तीसरी स्टेज भी ठीक से परफॉर्म हो जाती, तो उसके बाद सैटेलाइट जाता सेम प्लेन में आने के लिए पहले जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। ये देखिए, ये पिक्चर में ये जो ऑर्बिट आपको दिख रहा है इलेप्टिकल फॉर्म में, ये है जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, और फाइनल जो ऑर्बिट है वो ये है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 35,786 किलोमीटर की हाइट होती है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। और देखो, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है, और चक्कर कंप्लीट करता है 24 घंटों में। एग्जैक्टली बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। यहां पर एक बात पर फोकस कीजिएगा, 24 घंटे में जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है। अर्थ भी तो सन के चारों ओर अपनी एक्सिस पर चक्कर काटती है इसी टाइम में, 24 घंटे और एग्जैक्टली 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इसलिए होता क्या है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट अर्थ से देखने पर एक ही लोकेशन पर दिखता है। रीजन मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जितना टाइम में अर्थ सूर्य के चारों ओर अपनी एक्सिस पर घूमती है, उतने ही समय में जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है। इसीलिए अर्थ से देखने पर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट एक ही लोकेशन पर दिखता है। अब एक बात आप ये बताइए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बीच डिफरेंस क्या है? एक बात बोलता हूं, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज
पार्ट ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज स्पेशल केस ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। यहां पे देखिए ये पीले रंग में है ना, ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट का ऑर्बिट है। ये जो मैं अभी ड्रा कर रहा हूं ये भी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट का ऑर्बिट है, और यहां पे ये लाल रंग में है ये भी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट का ऑर्बिट है, लेकिन लाल रंग वाला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी है। समझ गए? तो मतलब साफ है कि अगर देखो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में हो, अगर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में हो तो उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। पीले रंग का इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं है, लेकिन लाल रंग का जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है ये अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में है, इसीलिए इसे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट के साथ साथ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज स्पेशल केस ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में होता है उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कह दिया जाता है। आगे आर्टिकल में कहा जाता है दो स्टेजेस तो ठीक से परफॉर्म हो गई थी, इसका मतलब यह है कि जीएसएलवी यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस लॉन्च व्हीकल की सहायता से सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा था। इस लॉन्च व्हीकल में कोई दिक्कत नहीं आई, दिक्कत एक्चुअली आई है सैटेलाइट के अंदर ही। सैटेलाइट के अंदर किसी प्रकार का पावर फेलियर हो गया होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, इसकी वजह से तीसरी स्टेज को ठीक से परफॉर्म नहीं किया जा सका। लेकिन फिर भी इसरो को पूरी जांच करनी होगी। वैसे तो देखो जैसा मैंने आपको बताया, एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि जीएसएलवी की ये 12वीं फ्लाइट थी। इससे पहले भी जीएसएलवी यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सहायता से एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट जैसे जीसैट 6 छोड़ा गए हैं। लेकिन अगर जीएसएलवी में किसी प्रकार की दिक्कत आई है तो फिर तो इसरो के जो आने वाले अपकमिंग मिशंस हैं वो भी इसी प्रकार से जीएसएलवी से स्पेस में छोड़े जाएंगे, तो वो मिशंस भी अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए इसरो को पूरी जांच करनी होगी कि आखिर क्यों ये मिशन फेल हुआ। कंक्लूजन में आगे ये कहा जाता है कि इस मिशन में कुछ एडिशनल फीचर्स भी थे, जैसे हाई थ्रस्ट विकास इंजन। इस इंजन की सहायता से रॉकेट और ज्यादा भारी पेलोड ले जाने में सक्षम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया ये मिशन। अगला जो टेस्ट होगा इसरो का वो तब होगा जब इसरो मून पर अपना मिशन भेजेगी, चंद्रयान सेकंड जब इसरो भेजेगी तब इसरो का अगली टेस्ट होगा। लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इसरो को अपने एक्सपीरियंस से सीखना होगा और जो भी गलतियां रही इस मिशन के दौरान उनको पब्लिक डोमेन में भी रखना चाहिए, ताकि जो बाहर के एक्सपर्ट्स हैं उनके एक्सपीरियंस से भी इसरो सीख सके। तो ये पूरा आर्टिकल था जीसैट 6 ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ईवे बिल के बारे में है। जीएस पेपर 3 में इन टॉपिक्स के अंदर कवर होगा ये आर्टिकल। पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं, ईवे बिल आखिरकार है क्या। ईवे बिल जीएसटी के अंदर आता है, मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यापारी अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करता है तो उसको ई वे बिल जनरेट करना होगा, यानी तमाम तरह की जानकारी सरकार को प्रोवाइड करनी होगी कि ये सामान है, इतना वेट है, मैं इस स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहा हूं। तमाम तरह की जानकारी उस व्यापारी को प्रोवाइड करनी होगी सरकार को। लेकिन कुछ कंडीशंस भी हैं, कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तभी व्यापारी को ई वे बिल जनरेट करना होगा। जिस सामान को व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर रहा है उसकी कीमत 50,000 से ऊपर होनी चाहिए, यह पहली कंडीशन है, और डिस्टेंस मिनिमम 10 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी ईवे बिल जनरेट करना होगा व्यापारी को। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार ये व्यापारियों से ईवे बिल क्यों जनरेट करवा रही है। तो इसका आंसर ये है, सरकार जीएसटी के अंदर टैक्स चोरी को रोकना चाहती है, जीएसटी की चोरी को रोकना चाहती है सरकार, ताकि कोई भी व्यापारी अगर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहा है, 10 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है और सामान 50,000 से ज्यादा है, तो किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी ना हो, सरकार टाइमली इंस्पेक्शन कर सके, अगर कोई व्यापारी टैक्स चोरी करता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जा सके। इसीलिए सरकार ई वे बिल जनरेट करवाना चाहती है व्यापारियों से। अब देखो 10 किलोमीटर का जो ज्यादा का डिस्टेंस है वो एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में हो सकता है, एक स्टेट के अंदर कहीं भी हो सकता है, इवन इंटर स्टेट भी हो सकता है। तो ये हमने ईवे बिल के बेसिक्स के बारे में जाना। अब आते हैं आर्टिकल की तरफ। वैसे तो देखो ईवे बिल सिस्टम को जीएसटी के अंदर फरवरी में ही इंप्लीमेंट किया जाना था, लेकिन उस समय आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था ईवे बिल सिस्टम को स्टार्ट किया जाता, तो इसलिए 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से ईवे बिल सिस्टम स्टार्ट हो गया है, और अभी स्टार्ट हुआ है सिर्फ इंटरस्टेट गुड्स की मूवमेंट के लिए, इंट्रास्टेट गुड्स की मूवमेंट के लिए अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब समझ गए ना, एक एग्जांपल की सहायता से जल्दी से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, यहां पे हरियाणा का कोई व्यापारी पंजाब में सामान भेजता है,
दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और हरियाणा के व्यापारी ने जो सामान भेजा है उसकी कीमत 50,000 से ज्यादा है, तो हरियाणा के व्यापारी को पंजाब में सामान भेजने के लिए ई वे बिल जनरेट करना होगा। लेकिन हरियाणा का वही व्यापारी हरियाणा के अंदर ही किसी दूसरी जगह पर सामान भेज रहा है और दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और सामान की कीमत 50,000 से ज्यादा है, तो भी हरियाणा के उस व्यापारी को फिलहाल ई वे बिल जनरेट नहीं करना होगा। यानी इंटरस्टेट गुड्स की मूवमेंट्स के लिए ई वे बिल जनरेट करना फिलहाल मैंडेटरी है और सरकार ने यह कहा है, जीएसटी काउंसिल ने यह कहा है, इंट्रा स्टेट गुड्स की मूवमेंट के लिए भी हम ई वे बिल को जनरेट करना धीरे धीरे कंपलसरी बनाएंगे फेस वाइज मैनर में। अभी सिर्फ कर्नाटका ने इंप्लीमेंट कर दिया है, कर्नाटका में एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजा जा रहा है और कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ई वे बिल जनरेट करना अनिवार्य है। सिर्फ कर्नाटका को छोड़ के बाकी किसी भी राज्य में इंटर स्टेट गुड्स की मूवमेंट के लिए ई वे बिल जनरेट करना फिलहाल मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इंटर स्टेट गुड्स की मूवमेंट के लिए अनिवार्य है। आगे आर्टिकल में जीएसटी से संबंधित दो अच्छी बातें डिस्कस की गई हैं। देखो, ई वे बिल सिस्टम को स्टार्ट हुए अब 3 दिन हो चुके हैं। 2 दिन का डेटा यह कहता है कि 2 दिनों के अंदर अंदर 5.5 लाख यानी 5.5 लाख ई वे बिल जनरेट हुए, लेकिन व्यापारियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। यानी आईटी सिस्टम, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अब ठीक ठाक है, ये अच्छी बात है। हमने देखा पहले जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था उसके बाद व्यापारियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था अपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने में, लेकिन अब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से डेवलप कर दिया गया है और व्यापारी ठीक से अपने ई वे बिल्स को जनरेट कर पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। एक सेकेंड, वो स्लाइड कहाँ गई? यहाँ है। तो पहली ये अच्छी बात है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल ठीक ठाक है और जीएसटी नेटवर्क वालों का ये कहना है कि हमारी कैपेसिटी इससे भी ज्यादा है। यानी अगर 2 दिनों के अंदर 10 लाख ई वी बिल्स जनरेट होते तो भी हमारा जो आईटी नेटवर्क है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हैंडल कर लेता। तो ये पहला पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट जीएसटी के बारे में ये है कि जीएसटी कलेक्शंस यानी जीएसटी के अंदर रेवेन्यू अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और अब देखो ई वे बिल का सिस्टम स्टार्ट हो गया है, अब तो जीएसटी के अंदर टैक्स अवॉइड करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो जीएसटी के अंदर रेवेन्यू और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन आर्टिकल में एक बात यह बोली जाती है कि देखो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, 31 मार्च खत्म हुआ, तो बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना जो सामान है वो स्टॉक करके रखा था, इसीलिए शुरुआती 2 दिनों के अंदर ई वे बिल्स कम जनरेट हुए हैं, लेकिन आगे आगे ई वे बिल और भी ज्यादा जनरेट होंगे, तो इसलिए जीएसटी नेटवर्क वालों को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए और अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार रखना चाहिए ताकि व्यापारियों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए ई वे बिल को जनरेट करने में। आगे कंक्लूजन में कहा जाता है, छोटे व्यापारी तो देखो अपना सामान मंगवाते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की सहायता से, उनके पास खुद का व्हीकल तो होता नहीं है। इवन कई बार बड़े व्यापारी भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की सहायता से ही अपना सामान मंगवाते हैं, तो इस केस में ड्राइवर्स को ई वे बिल जनरेट करना होगा। लेकिन ड्राइवर, आपको पता है काफी बार ड्राइवर्स को टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा ई वे बिल जनरेट करने में, तो इसीलिए सरकार को थोड़ा स्लो चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी ई वे बिल सिस्टम स्टार्ट हुआ है और अभी से सरकार के जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो एंटी इवेजन स्क्वाड्स हैं, वो सड़कों पर घूमने लगे और ड्राइवर से पूछे, हाँ भाई दिखाओ आपका ई वे बिल कहाँ है। अगर वो ई वे बिल ना दिखा सके तो उनके ट्रक को रोक लिया जाए, उनके सामान को जब्त कर लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा स्लो चले सरकार, क्योंकि अभी से एकदम से बहुत ज़्यादा सख्ताई हो जाएगी तो गुड्स की मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और गुड्स की मूवमेंट पर असर पड़ेगा तो देश की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने ई वे बिल सिस्टम स्टार्ट तो कर दिया लेकिन अवेयरनेस भी साथ साथ चलानी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि सरकार ने पोस्टपोन किया ई वे बिल सिस्टम को स्टार्ट करने में, इसलिए ज्यादातर व्यापारियों को, इवन ड्राइवर्स को भी जानकारी है ई वे बिल को कैसे जनरेट किया जाता है, लेकिन जिनको नहीं है उनको ये सारी टेक्निकल नॉलेज मिले ताकि ई वे बिल सिस्टम को ईजिली स्मूथ ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। अगला आर्टिकल इनइक्वालिटी से संबंधित है, जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स में ये आर्टिकल कवर होगा। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं इनइक्वालिटीज़ के बारे में, जो ये कहती हैं कि वर्ल्ड में असमानताएं यानी इनइक्वालिटीज़, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इंडिया में भी यही हाल है। ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं वो गिनी कोफिशियंट का सहारा लेती हैं दुनिया में इनइक्वालिटीज़ का पता लगाने के लिए। गिनी कोफिशियंट में अगर स्कोर जो है वो 1 है, इसका मतलब वो देश बहुत ज्यादा इनइक्वल है, एक ही पर्सन के पास सारी वेल्थ इकट्ठा हो गई है और बाकी पर्सन के पास कुछ नहीं है। और गिनी कोफिशियंट में अगर स्कोर 0 है, इसका मतलब वो देश परफेक्टली इक्वल है, यानी सभी लोगों के बीच वेल्थ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो 0.40 के नीचे नीचे अगर स्कोर होता है, वो स्कोर भी
इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के द्वारा ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर स्कोर बढ़ता है तो इसका मतलब इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं उस देश में। आर्टिकल में कहा जाता है गिनी कोफिशिएंट एक तरीका है किसी देश में इनइक्वालिटीज या फिर गरीबी का पता लगाने के लिए, लेकिन एक दूसरा तरीका पुअर्टी रेशो भी है। यह क्या तरीका है? आपको पता है एक इंसान की काफी सारी जरूरतें होती हैं। इन जरूरतों को आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो, फूड नीड्स और नॉन फूड नीड्स, यानी खाने संबंधी जरूरतें और खाने के अलावा दूसरी जरूरतें। अब देखो, इन जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान के पास पैसे होने चाहिए ताकि उन पैसों को खर्च किया जा सके इन जरूरतों को पूरा करने में। बिल्कुल बेसिक जरूरतों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, 1,000 रुपये चाहिए एक महीने में बेसिक फूड और नॉन फूड जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन कई इंसान आपको पता है ऐसे भी होते हैं जिनके पास 1,000 रुपये वो नहीं कमा पाते एक महीने में, इसलिए वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। तो पुअर्टी रेशो के हिसाब से वो पर्संस जो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते वो गरीब हैं। अब देखो, ये 1,000 रुपये का थ्रेशहोल्ड तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये अलग अलग देशों में अलग अलग होता है और इवन हमारे इंडिया में भी ये घटता बढ़ता रहा है। जैसे प्लानिंग कमीशन ने गरीबी रेखा को डिफाइन करने के लिए एक फिगर दी, उसके बाद सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने गरीबी रेखा को डिफाइन करने के लिए कुछ अलग से फिगर दिया। उसके बाद रंगाराजन कमेटी आई, उन्होंने गरीबी रेखा को डिफाइन करने के लिए अपना अलग से फिगर दिया। तो अलग अलग कमेटीज ने अलग अलग फिगर दिया गरीबी रेखा को डिफाइन करने के लिए कि कोई पर्सन इस रेखा से नीचे अगर पैसे कमाता है, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है तो वो पुअर है। लेकिन मेन कंसेप्ट की तरफ आते हैं, मेन कंसेप्ट तो ये है ना, ये दूसरा तरीका है गिनी कोफिशिएंट के अलावा, ये दूसरा तरीका है गरीबी पता करने के लिए किस देश में गरीबी कितनी है। तो पुअर्टी रेशो के तरीकों से अलग अलग कमेटीज ने, जैसे सुरेश तेंदुलकर कमेटी और रंगाराजन कमेटी, इन कमेटीज ने अलग अलग पुअर्टी की रेशो बताई हमारे देश में, लेकिन सभी कमेटीज ने एक बात कही कि पुअर्टी यानी गरीबी हमारे देश में कम हो रही है। अगर देखो गरीबी हमारे देश में कम हो रही है पहले से, तो इनइक्वालिटीज तो कम होनी चाहिए। लेकिन बाकी जो हमने डिस्कस किया आर्टिकल की शुरुआत में, दूसरी जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो ये कह रही हैं कि इनइक्वालिटीज हमारे देश में बढ़ रही हैं, जबकि हमारे देश में पुअर्टी रेशो निकालने के लिए जो कमेटी गठित की गई वो ये कहती है कि पुअर्टी तो हमारे देश में कम हो रही है, यानी इनडायरेक्टली इनइक्वालिटीज कम हो रही हैं। तो दोनों चीजों में विरोधाभास है और ये इसी बात पर आर्टिकल फोकस कर रहे हैं। बहुत सारा डेटा दिया गया है आर्टिकल में, वो डेटा हमारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, बेसिकली ये एक रिसर्च आर्टिकल है। जैसे कि आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि 1990 के बाद हमारे देश में गरीबी काफी तेजी से घटी है एज कंपेरिजन टू 1990 से पहले, और इवन 2000 के बाद के सालों में, जैसे 2004 के बाद 2005, 2006, 2007, इन सालों में हमारे देश में गरीबी बहुत तेजी से घटी है एज कंपेरिजन टू 1990 का जो दशक था। आर्टिकल में आगे एक इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है, जैसे ही कोई कंट्री देखो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ता है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है किसी देश की, तो शुरुआत में तो जो इनइक्वालिटीज हैं वो बढ़ती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो देश डेवलप होता है इनइक्वालिटीज कम होती जाती हैं। और इंडिया में गिनी कोफिशिएंट के आधार पर विभिन्न रिपोर्ट्स ये कह रही है कि इनइक्वालिटीज हमारे देश में बढ़ रही हैं, लेकिन पुअर्टी रेशो के आधार पर जो कमेटी गठित की गई थी वो कमेटीज ये कहती है कि हमारे देश से गरीबी कम हो रही है। तो ये पूरा आर्टिकल था पुअर्टी के बारे में। चलते हैं आगे, अगला आर्टिकल डिप्लोमेट्स के बारे में है। आर्टिकल में यह कहा जाता है कि डिप्लोमेट्स को इंटरनेशनल रिलेशंस में प्यादों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब एक देश को दूसरे देश के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करनी होती है या फिर प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना होता है, तो काफी बार यह देखने को मिलता है कि डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया जाता है, जैसा हाल ही में देखने को मिला। रशिया पर आरोप लगा कि रशिया ने अपने एक फॉर्मर स्पाई को मरवाने की कोशिश की यूके में। उसके बाद रशिया ने हालांकि आरोपों को निराधार ठहराया। यूके समेत कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने, 20 से ज्यादा कंट्रीज ने रशियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। रशिया ने भी रिटालिएट करते हुए इन कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को अपने कंट्री से निकाल दिया। लेकिन यूरोप के एक देश ऑस्ट्रिया ने रशियन डिप्लोमेट्स को निकालने से मना कर दिया। ऑस्ट्रिया ने यह कहा कि कम्युनिकेशन लाइन्स बनी रहनी चाहिए ताकि सिचुएशन को एग्रेवेट होने से रोका जा सके, और रशिया ने स्वागत किया ऑस्ट्रिया के इस कदम का कि ऑस्ट्रिया ने रशियन डिप्लोमेट्स को नहीं निकाला है, जबकि यूके ने अपनी नाराजगी जाहिर की। यूके ने कहा कि बाकी यूरोप के बाकी देशों की तरह ऑस्ट्रिया को भी रशियन डिप्लोमेट्स को निकालना चाहिए था। इवन इंडिया और चाइना जैसे बड़े देशों ने यह कहा कि देखो हमें और ज्यादा सबूत चाहिए ताकि यह विश्वास किया जा सके कि रशिया ने अपने एक फॉर्मर स्पाई को मरवाने की कोशिश की यूके में।
रशिया इवन इस बात से भी खुश है कि हालांकि यूएसए ने रशिया के डिप्लोमेट्स को तो निकाला, लेकिन ट्रंप ने इस बात पर ट्वीट नहीं किया। ट्रंप जो छोटी छोटी बातों को लेकर ट्वीट करते हैं, पानीपुरी खाई तो ट्वीट कर दिया, लेकिन उन्होंने रशियन डिप्लोमेट्स को जब निकाला तो इस बात पर ट्वीट नहीं किया, और इस बात से भी रशिया खुश है। मेनली आर्टिकल में इसी बात पे फोकस किया जाता है कि देखो डिप्लोमेट्स की कोई गलती होती नहीं, डिप्लोमेट्स तो एक मैसेंजर का काम करते हैं, रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब डिप्लोमेट्स को एकदम से एक्सपेल किया जाता है तो उनके परिवार वालों को, डिप्लोमेट्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और काफी बार तो छोटे छोटे देश जैसे नाउरू एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेट को निकाल दिया था इस आइलैंड कंट्री ने, लेकिन थोड़े समय बाद वापस भी बुला लिया उसको। तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। आमतौर पर देखो जब डिप्लोमेट्स को निकाला जाता है तो पोजीशन खत्म नहीं होती उस डिप्लोमेट की, उस पोजीशन पे, उस वैकेंसी पे कोई और डिप्लोमेट आ जाता है। तो काइंड ऑफ ये सारी चीज सिंबॉलिक होती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिप्लोमेट्स के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इसरो के सैटेलाइट GSAT-6A के बारे में बात की, डिटेल से हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया। उसके बाद हमने ईवे बिल से संबंधित जो आर्टिकल था उसे डिस्कस किया। तीसरे नंबर पे हमने पुवर्टी रेशो और गिनी कोफिशिएंट के बारे में जो आर्टिकल था उसके बारे में चर्चा की। और सबसे लास्ट में अभी हमने डिस्कस किया डिप्लोमेट्स के बारे में जो आर्टिकल था। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।